हेलो दोस्तों, ये एक छोटा सा रिव्यू है, रिव्यू इन द सेंस अनबॉक्सिंग और रिव्यू एक छोटे से प्रोडक्ट का जिसका नाम है रेजोनेट राउटर UPS। सो बेसिकली मैं अपने काम के लिए लैपटॉप यूज़ करता हूँ जिसमें ऑलरेडी बैटरी बैकअप रहता है कुछ हद तक, तो मुझे सिर्फ ज़रूरत थी कि इंटरनेट कंटिन्यूटी की, जिसके लिए मैंने ये प्रोडक्ट, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने इस प्रोडक्ट को अमेज़ोन से लिया है। सो इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 2900 मेंशन है, बट आपको 2300 में आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे से मिल जाएगा। तो बात करते हैं इसके, ये ऑलरेडी ओपन किया हुआ बॉक्स है और मैंने इसको 2 हफ्ते यूज़ भी किया है, तो सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए कि बॉक्स के अंदर क्या क्या सामान आता है और आप कौन सी वायर को कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, और आपके आपके आसानी के लिए मैंने वापस से सारी चीज़ें वापस इसके अंदर डाल दी हैं, और एक एक करके जिसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले हम देख लेते हैं इस बॉक्स के ऊपर क्या क्या लिखा गया है। एवरीडे सॉल्यूशन नंबर 2, व्हेन द पावर गोज़ योर वाईफाई डजन, जो कि एकदम सही है। मैंने मुझे 2 3 बार एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, और मैंने इसको नॉर्मली भी डिसकनेक्ट करके ट्राई किया तो इसका बैकअप 4 घंटे से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। मेरे हिसाब से 1 घंटे से ऊपर, 2 घंटे से ऊपर ज़्यादा की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इस पे कंपनी का दावा है 4 घंटे का बैकअप, लाइट वेट, इंटेलिजेंट चार्जिंग। ओके, इस तरफ कुछ भी नहीं है, ऊपर भी रेजोनेट का लोगो और है राउटर UPS। ओके, ये साइड में आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस चीज़ के बारे में आपको मैं लास्ट में और अच्छे से बता दूंगा, जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज कैपेसिटी के बारे में बात की गई है। यहाँ पे तो दाम के बारे में बात की गई है, जो आपको 2300 में मिल जाएगा। ये बार कोड है इनका। तो पीछे यहाँ पे क्विक इंस्टॉलेशन गाइड दी गई है, और इसके अलावा सिर्फ राउटर के लिए नहीं, आप CCTV, इंटरकॉम, सेट टॉप बॉक्स के लिए भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसमें इनकी कैपेसिटी कितनी आएगी मुझे उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने खाली राउटर के लिए चेक किया था। लिमिटेड वारंटी, सो ओके, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं बॉक्स ओपन करता हूँ, तो ऊपर आपको आएगा ये मेन डिवाइस रेजोनेट का, जिसके ऊपर रेजोनेट का लोगो लगा हुआ है और नाम लिखा हुआ है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स दी गई हैं इसके बारे में, अगेन इनपुट आउटपुट वोल्टेज के बारे में, कैपेसिटी के बारे में। तो देन एक्स्ट्रा वारंटी के लिए आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के लिए भी। यहाँ साइड में आपको एक छोटा सा बटन मिलेगा ऑन एंड ऑफ का, तो ये जब आप नहीं कनेक्ट करके रखते हैं तो ये ऑफ में रहना चाहिए, जैसे ही आप अगर इसको राउटर से कनेक्ट करते हैं इसको आप ऑन कर दे सकते हैं। जैसे ही आप ऑन करेंगे ऊपर एक छोटा सा LED लाइट जल जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक पैकेज कंटेंट्स, कि इस पैकेज में आपको क्या क्या सामान मिलते हैं, जैसे राउटर UPS क्विक इंस्टॉलेशन गाइड जो कि ये है मेरे हाथ में, वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन, वारंटी का डॉक्यूमेंट एक मिल जाएगा आपको छोटा सा, ब्रिज केबल, अप टू 4 केबल्स टू ब्रिज डिफरेंट पिन साइजेस। तो आपके राउटर के पिन साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा केबल आपके लिए सूटेबल है, जो कि इन लोगों ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो एक क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है, सेटअप इंस्ट्रक्शंस, जो कि मैं आपको आखिर में बता दूंगा, कि मेरे पास एक छोटा सा मॉडम है, साइड राउटर है जो मैंने साइड में निकाल के रखा हुआ है, जो मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा, उसमें मैं आपको क्विक सेटअप बता दूंगा। सो यप, बेसिकली इतना ही है इसकी क्विक सेटअप गाइड में। ये इसका वारंटी कार्ड है, लिमिटेड वारंटी, 1 ईयर यूज ए प्रोडक्ट लिमिटेड वारंटी। देन इसके अंदर आपको
सारे केबल मिल जाते हैं। तो ये तीन तरीके के केबल आपको इसमें मिल जाएंगे। हाँ, बेसिकली इतना ही है बॉक्स के अंदर। तो मैं आपको इसका क्विक सेटअप बता देता हूँ। नॉर्मली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में आउट और राइट साइड में इन लिखा हुआ है। मेरे पास ये मॉडम है, तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसमें सूट नहीं होता है। अब जस्ट एक बार चेक कर लीजिए कि ये है कि सो ये पर्टिकुलर चीज़ इसमें कनेक्ट होगी, और ये जो जैक है ये इसके अंदर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे मैंने इसमें कनेक्ट किया है। तो ये केबल मेरे इस पर्टिकुलर राउटर के लिए सूटेबल है। राउटर से कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया पावर ऑन बटन स्विच ऑन करना है, और जो आपके राउटर का एडाप्टर है, फॉर एग्जांपल जो राउटर का आपका जो एडाप्टर है, एडाप्टर को प्लग इन कर देना है, और आउट से आपको राउटर को कनेक्शन दे देना है। इसके बाद आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जल गई है और मेरे मॉडम में भी पावर आ गया है। तो ये था इसका क्विक सेटअप। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके राउटर के लिए कौन सा केबल सूटेबल है। दूसरी चीज़ और एक मैं बता देना चाहता हूँ, जैसा कि उसमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्लियरली मेंशन था। सो इसमें जैसे 12 वोल्ट और 2 एम्पियर एंड बिलो मेंशन किया हुआ है, उसी तरह आपके राउटर के पीछे आपको क्लियरली मेंशन किया रहेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है 9 वोल्ट और 600 मिली एम्पियर। सो इसके लिए आपको 9 वोल्ट वाला राउटर UPS ख़रीदना है, ना कि 12 वोल्ट और 2 एम्पियर वाला। तो ये था क्विक अनबॉक्सिंग एंड क्विक सेटअप ऑफ राउटर UPS रेजोनेट का। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए सेटअप से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सबके आंसर दे दूंगा। सो बस ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से आपको जो जितनी जानकारी चाहिए थी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड वो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दी है। अगर कहीं कुछ छूट गया हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या मैं मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, उसमें आप मेरे को पर्सनल मैसेज डाल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अमेज़ॉन से ख़रीदने के अलावा दूसरा और एक चॉइस है आपके पास, जो कि एक्ट के थ्रू आपको 2000 रुपीस में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। दैट इज़ डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जैसा बोलते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम वेरी न्यू, मैं बहुत नया हूँ ये सब वीडियोज़ बनाने में, रिव्यूज़ में। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को दे सकूँ। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय।